हेलो गाइस, मेरा नाम है निशा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ 10 ऐसे टिप्स के बारे में जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन प्रिकॉशंस ले सकती है ड्यूरिंग दिस मॉनसून। मॉनसून के टाइम पे जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन है वो अपना ध्यान कैसे रखें, उस बारे में आज कुछ बातें करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पहला ट्रिक रहेगा वो ये है कि स्टिकिंग टू अ वेल बैलेंस्ड डाइट, मतलब कि इस टाइम पे आपको अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उसमें बैलेंस बना के रखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल ही रहा है कोरोना की वजह से, सो इस टाइम पे अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल यू कैन से। सो इस टाइम पे अपना आपको अपना जो डाइट का है उसका बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट यू, इट इज अबाउट योर चाइल्ड इनसाइड यू। ओके, सो इस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं लाइक कॉलीफ्लावर और पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब अभी नहीं लेना है क्योंकि ये सब जर्म्स को बढ़ावा देने का बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है, बिकॉज अभी का टाइम पे इन सब चीजों में कीड़े और जर्म्स बनना बहुत ज्यादा इजी होता है। सो बारिश के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमन प्लीज एंड प्लीज ग्रीन वेजिटेबल्स को अवॉइड करें, वो ही ठीक रहता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट है कि मेंटेन टू अ यूजुअल फ्लूइड इंटेक्ट, मतलब कि आप ये ना सोच लें कि अब तो बारिश का टाइम आ गया, क्योंकि बारिश के टाइम पे मौसम कुछ ऐसा हो जाता है कि जितने भी जो तापमान होता है, जो डिग्रीज होती है वो घट जाती है, ठंडा एकदम ठंडा वातावरण हो जाता है, बट इट इज नॉट इन योर बॉडी, इन केस ऑफ योर बॉडी। बॉडी में ऐसा नहीं होता है कि हाँ ठंडा हो गया है तो आपको पानी पीने की फ्लूइड्स लेने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान रखना है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग अभी थोड़े दिन पहले ही हमने गर्मी का मौसम देखा हुआ होता है, तो हमें उस वर्ष मतलब कंपेयर टू समर्स मॉनसून में हमें कम प्यास लगती है और हमें लगता है कि हमारी कम डाइट ही इनफ हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, हमें उतनी ही फ्लूइड्स लेना जरूरी है, मतलब कि तरल पदार्थ लेना जरूरी है जितना कि हम समर्स में लेते आए थे, क्योंकि दैट इज वाई ये एक मतलब जो मिथ है, जो अजम्पशन हम कर लेती हैं वुमेन्स की, हाँ अभी के टाइम पे कम मतलब कम फ्लूइड्स लेना ठीक हो जाएगा, वो ही एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमन को हेडेक होने का, क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। दैट्स व्हाई क्या होता है उनको हेडेक, हेड पेन मतलब हेडेक हो जाता है, फिर स्टमक पेन होता है, फिर उनको क्या कहते हैं ये उनको फेंट मतलब चक्कर भी बहुत ज्यादा आते हैं, हमने देखा हो बहुत ज्यादा हमको चक्कर आते हैं क्योंकि हमें पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम इस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं खुद पे कि हाँ हमको ज्यादा पानी की जरूरत है, बट आपको पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। पानी और फ्लूइड्स पदार्थ जितने भी हैं, आप जूसेस ले सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें जिसको आप यूज कर सकते हैं, इट्स अ फ्लूइड, सो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और जितना हो सके तीसरा जो मेरा पॉइंट इसी पे है कि आप आउटसाइड फूड्स को अवॉइड करें। आउटसाइड फूड्स आर वेरी कह सकते हैं इन्फेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है उससे। सो इफ यू आर कैरिंग अ बेबी तो प्लीज प्लीज आउटसाइड फूड अवॉइड करें, और जैसा कि हम सब जानते हैं कोरोना के टाइम पे तो हम सबको आउटसाइड फूड अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इस टाइम पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं, अभी सब कुछ प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन 5 चल रहा है, सो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आई नो कि बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है हम लोगों में मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमन को बहुत ज्यादा क्रेविंग फील होती है, तो अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप रादर देन गो टू आउटसाइड फूड खाने के अलावा आप घर में कुछ बना के खा सकते हैं, जैसे अगर आपका मन है चाट खाने का तो आप चाट घर में बना सकते हैं, उससे क्या होगा आपको सेफ पानी
पानी आप यूज करेंगे तो आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ध्यान रखें कि आप आउटसाइड फूड ना खाएं, ठीक है। फोर्थ है कि पर्सनल हाइजीन इज मोर इम्पोर्टेंट। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। आपको ये ध्यान रखना है जितने भी आपका जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, फिर आपकी जो बॉडी पे जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं जो भी है, सब कुछ हाइजीनिक होना चाहिए। आपका हैंड सैनिटाइजेशन, जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो भी आपको ध्यान में रखनी है इस टाइम पे, क्योंकि मानसून खुद में ही एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डिजीज लेके आने वाला एक सीजन है। हम कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमें, सच बात है बहुत अच्छा लगता है जब बारिश गिरती है, बट बारिश साथ में बहुत सारे इन्फेक्शन को लेके आती है। सो इन सब का ध्यान भी आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा है सैनिटाइजेशन ऑफ योर सराउंडिंग्स, मतलब अपने आजू बाजू के जो एरियाज हैं उसको साफ करना, उसको सैनिटाइज करना, उसको बैक्टीरिया रहित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉज ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमको, हम जो नॉर्मल जो फ्लेवर वाले या फिर सुगंध वाले कह सकते हैं जो सोप्स यूज करते हैं मॉपिंग करने के लिए या फिर घर को साफ करने के लिए, वो इनफ नहीं है। उसमें आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में जिसको आप यूज करके अपने घर को बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। एक भी घर का कोना ना बाकी नहीं होना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमन के घर में जो भी साफ ना हो, जो बैक्टीरिया फ्री ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस टाइम पे आपके अंदर बैक्टीरिया जाने के। ओके, सो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इस चीज का केयर रखें। ओके, और छठा है मॉस्क्यूटो तो हमारे इस टाइम पे बहुत बड़े दुश्मन है। इफ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमन, बहुत बड़े दुश्मन है। जैसे बहुत लकी है वो लोग जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनको मतलब मच्छरों की प्रॉब्लम ना हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जितने भी हैं कि हम सबको एक बोलते हैं ना एक लड़ाई है हमारी मॉस्किटोज के खिलाफ जो हमें सबको लड़नी ही पड़ती है। सो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप मॉस्किटोज का जो बोलते हैं ना नेट आता है मॉस्किटो नेट, वो यूज करें। फिर कह सकते हैं आप अपने जो कपड़े हैं उस पे मॉस्किटो रिपेलेंट आता है वो यूज करें। फिर आपको ऐसा नहीं देखना है कि हाँ हमने यूज कर लिया तो सब कुछ हो गया, आपको एक गुड नाइट या फिर कह सकते हैं मॉस्किटो का पिल वो तो आता ही ना रेगुलेटर्स, वो यूज करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपको हाँ आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जहां पे भी आप रहते हैं जो भी एरिया में आप रहते हैं उसके आसपास कहीं बारिश का पानी इकट्ठा ना हो गया। अगर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी हटाने की प्लान करें और इन्फॉर्म करें जो आपके सोसाइटी के जो भी चेयरमैन वगैरह होते हैं उनको प्रॉपरली उसको गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें मच्छर और बहुत सारे कीड़े इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सातवां जो है वो है राइट फूड फूट वेयर्स, मतलब आपको जो पहनते चप्पल वगैरह वो बहुत अच्छे से चूज करने की जरूरत है। जो वुमन्स अभी ऐसा है कि जो प्रेग्नेंट अर्ली प्रेगनेंसी में है और वो लोग जो वर्किंग है अभी इस टाइम पे भी जो लोग जॉब वगैरह पे जा रहे हैं फिर आप कहीं भी आउटसाइड भी जा रही हैं, तो आपको अपने जो वेयर्स है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कौन से फूट वेयर्स पहन रहे हैं। ऐसे पहने जिससे आप फिसले ना गिर ना जाए, इस तरीके के पहने, और हाई हील्स तो अवॉइड ही करें इस टाइम पे पहनने के लिए। आठवां है कि मेक ड्रेसिंग चॉइसेस एज पर वेदर, मतलब कि आपको जो भी आप कपड़े पहनते हैं मॉनसून के टाइम पे ऐसे कपड़े पहनने हैं जिसे आप आराम से कह सकते हैं वेयर कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मतलब कि इस टाइम पे कॉटन वेयर बहुत ही बेस्ट रहता है, बिकॉज वो जो आपके अंदर का स्वेटिंग वगैरह है ना जो वो अब्सॉर्ब कर लेता है और आपकी बॉडी को ड्राई रखता है। क्योंकि बाकी अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो उससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और बहुत सारे आपको कह सकते हैं रैशेज भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अब्सॉर्ब नहीं करती है आपका स्वेट वगैरह या फिर कह सकते हैं पानी को अब्सॉर्ब नहीं करती है। दैट्स व्हाई आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है नाइन्थ है कि मेक बाथिंग अ टाइम फॉर डिसइंफेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आपको दिन में एक बार
बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली वुमन बात तो करती ही करती हैं, दो दो बार कर लेती हैं, बट ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप बाथिंग के टाइम पे एक चीज कर सकते हैं कि आप नीम होता है, नीम के पत्ते, वो यूज करके, मतलब नीम के पत्ते पानी में डाल के थोड़ा गर्म करके और फिर नहाए तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। या फिर आप एक चीज कर सकते हैं कि डेटोल के कुछ ड्रॉप्स डाल के और नहाए तो अच्छा रहता है। आपको न सिर्फ वो आपको रिलैक्स करता है, आपको डिसइंफेक्टेड भी बनाता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दसवां जो ट्रिक है वो है कि बीइंग ओवर प्रिपेयर इज बेटर देन कॉट अनअवेयर। मतलब कि आपका जो कहते हैं ना, ये सारी प्रिकॉशंस जो है वो ओवर प्रिपेयर कह सकते हैं लोग, बट ये ओवर प्रिपेयर होना अच्छा है। मतलब अगर आप इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपको कुछ बीमारी हो जाए या फिर आपको कोई डिजीज हो जाए, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है कि आप पहले से सारे प्रिकॉशंस लेके रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े ड्यूरिंग दिस वंडरफुल जर्नी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी इज व्हाट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही है सारी प्रेग्नेंट वुमन को, आफ्टर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे इतनी सारी चीजें, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी ऐसे ही झेल रही होती है, एक मदर ऐसे ही फेस कर रही होती है। सो उसमें एक और प्रॉब्लम का डालना कि हाँ इस चीज से प्रॉब्लम, बीमारी हो गई मुझे, ये बहुत ही कह सकते हैं कि अनहेल्दी रहता है, या फिर कह सकते हैं एक और कहते हैं हेडेक हो जाता है। सो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तो यही कहूंगी। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और आप अच्छे से इस जर्नी को कह सकते हैं कि इंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि बारिश का मौसम सिर्फ और सिर्फ इतने रिस्ट्रिक्शन आ गए तो आप यूज नहीं, कुछ मजे नहीं ले सकते बारिश के, बहुत मजे आते हैं बारिश में, बहुत सारी इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप बारिश को इंजॉय करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।